आपका क्राफ्ट मॉडल के एक और वीडियो में। और आज मैं हूँ अपनी ऑल्टो के साथ में, और मैं यहाँ आया हूँ कर्मा कार डेकोरेटर पे। आप समझ जाएंगे कि वही वर्कशॉप है जहाँ पर मैंने पिछली बार अपनी 800 में सेंट्रल लॉकिंग लगवाई थी, और वो सेंट्रल लॉकिंग आप लोगों ने काफ़ी पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी ऑल्टो में भी सेंट्रल लॉकिंग लगवाऊँ, तो वो दिन आ गया है और आज मैं आया हूँ यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग लगवाने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम शुरू होता है इसमें। पहली बार की तरह ये हमारा आरडी का जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है वो, जिसमें कि चार ट्यूब दी हुई चारों दरवाजों के लिए, और ये रिमोट दिया हुआ है। पिछली बार से ज़्यादा स्टाइलिश है, और इसमें जो पीछे की डिग्गी है उसको खोलने का भी एक बटन दिया हुआ है। देखते हैं वो किस तरीके से लगेगा। और बाकी ये इसकी यूनिट है, ये टायरन, और बाकी नीचे की तरफ आप देखेंगे सारी जो वायरिंग है वो सब दी हुई है। और इससे पहले कि जो है गाड़ी की जो टैंक के दरवाजे हैं उनको खोल लिया है। अब आइए बाकी जो है काम वहीं पर चल के देखते हैं। इसका जो मेन वायरिंग लूम है वो, और इसके अलावा जो येलो वायर है ये अलग अलग गेट्स में लगेगा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। बाकी लगभग सारी चीज़ें इसमें किट में आती हैं। ये सारे दरवाजों के लिए केबल है, ये सारे स्विचेस हैं, ये सब रॉड है, और ये सब कनेक्टर वगैरह सब इसमें दिए हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमने गेट खोला हुआ है इसका, और अब हम इसके जो मेन कनेक्शन है पहले बैटरी से करने वाले हैं। ये जो रिवर्स सायरन है वो, प्लस जो लोकेटिंग हॉर्न होता है या फिर लोकेटिंग सायरन होता है ये वो है, और ये सब अब इसमें बैटरी में डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं। इसको इसके अंदर से ले लीजिए, उधर इसके अंदर से आ जाएगा। पहले बता देता हूँ, मैं डालते हुए
भाई साहब आसपास में। और चाय पी के आते हैं जब तक इनका गैस भरा है, रिस्की काम है लेकिन। हॉर्न लग गया है, सायरन है, सायरन लग गया है और ये पावर केबल भी लग चुकी है भाई। ये वाला पेन तो ये लूम को भी खाली खुला छोड़ा हुआ है और ये वाला जो वायर है ये जाएगा हमारे जो बोनेट है उसके स्विच में, उसको हमने टेप करके एक तरफ रख दिया है। और अब जो है ये वाला जो है ये देखते हैं कहाँ लगाते हैं। इनमें जो तार कटे होंगे ना वही होंगे। अब तो भाई साहब आपको कलर वगैरह सब समझ में आया तो कौन सा कलर? इसमें आप फर्स्ट इग्निशन सेकंड इग्निशन देख रहे हो ना और एक रिवर्स देख रहे हो। हाँ दो इंडिकेटर, हाँ दो इंडिकेटर, मतलब कुल मिला के 5 वायर निकलेंगे। टाइम किसके पास में रहता है साफ करने का? बात ये है चाहिए तो घंटे कम से कम सारी सफाई भाई देना सर, करने में मुझे कितना टाइम लगा टेस्ट आ रहा था आपको बताओ यार। वो तुम्हारा काम है, हमारा ये काम नहीं है। आरडी का ही लगा था पहले भी। अच्छा आरडी का ही लगा था, हो सकता है। कैसे पता? कलर कोड है, वायरिंग जो कटी हुई बची थी ना। हाँ वो लगी। अच्छा जैसे मैंने ये वायरिंग खोली इसकी पुरानी, सही है, सेम कलर की है। तो गाइस ये है हमारी मेन वायरिंग लूम और जिसमें हम अभी जोड़ रहे हैं दो इंडिकेटर के वायर, एक फर्स्ट इग्निशन दूसरा सेकंड इग्निशन और ती और जो सबसे लास्ट वायर है वो होगा इसमें रिवर्स का। ये 5 वायर जोड़ने के बाद में जो फंक्शन है वो काम करेंगे। ये एक तार हो किसका गया हुआ? ये रिवर्स वायर है। ये है इसका जो वायरिंग इंडिकेटर है वो वायर इंडिकेटर का जो लिस्ट है वो, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें येलो वाइट वाला जो है उसका दोनों इंडिकेटर के जैसे भाई साहब ने हमें जोड़ा
उसके बाद में जो ग्रीन था वो रिवर्स वाला भी जोड़ा, उसके बाद ब्लैक और रेड ग्राउंड बैटरी के थे, ऑरेंज वाला डोर स्विच का था, ब्राउन जो है सायरन के लिए, ऑरेंज वाइट इग्निशन और ब्राउन वाइट मैनुअल लॉक, वाइट वाला जो था वो भी मैनुअल लॉक के लिए, और ब्लू है जो अनलॉक और लॉक के लिए था। इस तरीके से छोटा सा एक मैनुअल इसके साथ में आता है जिसको देख के हम और आइडिया लगा सकते हैं। अब ये जो मेन केबल भाई साहब ने निकाली है ये लगेगी एक एक दरवाजे में। डोर से होती होगी इसमें, पांच वायर वाला जो होगा वो मेन इस तरफ वाला गन होगी। आराम से मत खोलो, देखना मत खोलो, उनका हाथ दब जाता ना। तो भाई यहाँ पर जो था गन पहले से लगी हुई थी इसलिए ज़्यादा छेद और मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ दे नहीं। मुझे दे दे।
में जो है एक्स्ट्रा वायर लिया है क्योंकि ये जो है चारों डोर को कवर भी करती है। इसे इसको खोलोगे तो बाकी चार भी खुल जाते हैं हाथ से। मास्टर निकाल केबल टाइप हो तो इससे ऐसे किसी से इसको कर दीजिएगा। तो ये पहला डोर गाइस हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी इसी के बेसिस पे बाकी तीन भी कंप्लीट हो गए। Thank you.
करके निकल जाता है। अरे एक दोस्त आया है इधर से, तो होशंगाबाद के वो अपने वो कहाँ है, चंगनपुर कहाँ पर है, रेटी रेटी से आया है एक दोस्त मिलने के लिए आपसे स्पेशल, कुछ काम होगा, कुछ गाइडलाइन चाहिए होगी उसको।
वाले जो बूट स्विच है उसका जो है खोलने के बाद में तार निकला हुआ है। जंग आई है तो हो सकता है काम ना करे। ये वाला स्विच भी अब काम करने लगा है। देखिए जैसे इसको दबाते हैं इंडिकेटर बंद, ये चालू करते हैं तो हैजार्ड लैंप ऑन हो जाता है। तो भाई बहुत जल्दी ये जो सेंट्रल लॉकिंग वाला काम है ये हो चुका है, बस अभी एक आगे का छोटा सा काम बचा हुआ है और वो है जो बूट जो बोनेट है बोनेट लाइट जिससे हमारे में लगी हुई है, बस इससे इसका कनेक्शन हमें करना है। वाला जो कनेक्शन था और जो पूरा सेटअप था वो हमने इंस्टॉल करा लिया और अब हम वापस अपने पार्किंग प्लेस में आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। बेसिकली ये देखिए आरडी का जो सिस्टम है ये जो है 3 साल की वारंटी के साथ में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स वारंटी लिखा हुआ है और वारंटी पीरियड 3 ईयर्स। और ये वही सिस्टम है जो इससे पहले मैंने अपनी 800 में लगवाया था। तो आप ये मान सकते हैं कि ये वीडियो इतना डिटेल में आपको नहीं लगा होगा क्योंकि बहुत काम बहुत जल्दी जल्दी से हुआ था। और मैं एक बार क्विक इसका जो रिव्यू है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अभी जो है लॉक निकला हुआ है, मतलब अभी अनलॉक है गाड़ी, जैसे ही हम इसको इसका सेकंड इग्निशन ऑन करते हैं तो वैसे क्या हुआ कुछ देर में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। या तो हमें गाड़ी चालू करनी हो या अगर गाड़ी चालू नहीं भी करते हैं तो कुछ देर बाद ये अपने आप लगभग 15 सेकंड के आसपास ये टाइम लेता है। ये देखिए हमने सेकंड इग्निशन खाली ऑन किया है इसलिए ये गाड़ी जो है लॉक हो गई है, और जैसे ही हम सेकंड इग्निशन ऑफ करते हैं वैसे ये अनलॉक हो जाता है। अब मैं इसके कुछ जो अदर फीचर बता देता हूँ रिमोट के। ये है इसका रिमोट और काफ़ी स्टाइलिश रिमोट है, आप देख सकते हैं। 4 बटन तो कॉमन ही है, जैसे इसमें लॉक वाली बटन है ये लॉक हो गई, इससे अनलॉक हो जाएगा और इससे हम साइलेंट कर सकते हैं गाड़ी को कि अब जो भी हम एक्टिविटी करेंगे जैसे मैं लॉक करूं या अनलॉक करूं वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने ये दबा दिया एक बार तो अब ये जो है बिना जो सायरन है उसके बिना ये काम करेगा, मतलब एक ही बार करेगा। और जैसे अब गाड़ी को लोकेट करना है हमें कहीं पे पार्किंग में हमने लगा रखा है तो हम इसको दबा सकते हैं जिससे कि जो है गाड़ी को हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी बड़े पार्किंग लॉट में। और इसके अलावा रिमोट काफ़ी स्लीक है, ठीक ठाक है, और अच्छी बात यह है कि इंटीरियर के साथ में मैच हो रहा है ये, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से लगा हुआ है। ये आरडी के यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है जो रिमोट कंट्रोल है उसका। बस इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आप अगर कभी इस टाइप का आरडी का रिमोट लगवाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बूट का जो बटन है ये इसमें काम तो कर रहा है लेकिन इसके लिए कोई बटन नहीं है, ये फंक्शन काम नहीं करता। हमें जो अपना जो बूट है वो की से ही खोलना होता है क्योंकि इसमें जो बूट ओपनिंग लिड है वो जो बूट ओपन करने वाला जो
लीवर होता है वो बहुत ही टाइट होता है और उसको आप चाबी से ही अनलॉक कर सकते हैं, किसी स्विच के द्वारा नहीं कर सकते हैं। बाद में आइए गाइस इसके कुछ और सेफ्टी फीचर की बात करते हैं। जैसे सेफ्टी फीचर्स ये है कि अगर धोखे से आपका जो दरवाजा है वो पूरी तरीके से लॉक ना हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हाफ लॉक है और हाफ लॉक में ही अगर मैं इसको लॉक करके चले जाता हूँ तो क्या होगा कि कुछ देर बाद, कुछ देर तक गाड़ी अभी इंतजार करेगी या जो इसका सिक्योरिटी सिस्टम है तो कुछ देर इंतजार करेगा और उसके बाद में हमें बार बार सायरन देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो डोर है वो ठीक से लॉक नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये अब उसके शांत, इसको शांत करने का तरीका ये है कि आप गाड़ी को अनलॉक कर दें और आके दरवाजे को ठीक से लगा दें। जब दरवाजे को ठीक से लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। और गाइस इस तरीके का फंक्शन ना केवल चारों डोर्स में है बल्कि जो आगे का बोनट है उसमें भी है, प्लस पीछे जो बूट है, बूट का जो गेट होता है पीछे जिसको हम डिक्की बोलते हैं, उसमें भी ये फंक्शन ठीक तरीके से काम वैसे ही काम करता है। तो उम्मीद है गाइस ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बेसिकली सेंट्रल लॉकिंग का इंस्टॉलेशन बताया मारुति सुजुकी ऑल्टो में, आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।